छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मानवशास्त्र के बारे में। मानवशास्त्र का क्या अर्थ है? एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय के रूप में मानवशास्त्र का आरंभिक चरण मध्य 19वीं शताब्दी माना गया है। 20वीं शताब्दी, विशेषकर 1950 के बाद के वर्षों में यह अत्यंत लोकप्रिय विषय के रूप में उभरा है। मानव विज्ञान को मनुष्य का विज्ञान क्यों कहा गया है और उसका क्या अर्थ है, इसे जानने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, मानव विज्ञान का विषय है मेधावी मानव की संपूर्ण जानकारी। मेधावी मानव को तकनीकी भाषा में होमो सेंपियंस कहा जाता है। होमो सेंपियंस के बीच समानताएं और विभिन्नताएं क्या है, यह जानना मानव विज्ञान का लक्ष्य है। दूसरा, समानता तथा विभिन्नता समझने के लिए वर्तमान तथा भूतकाल के मानव को समझना होगा। भूतकाल के उन मानव को भी समझना होगा जिनका इतिहास उपलब्ध नहीं है। ऐसे मानव पूर्व ऐतिहासिक काल में रहते थे। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों के उद्भव काल से अब तक जो परिवर्तन हुए हैं, उन सभी का क्षेत्र मानव शास्त्र है। तीसरा, मानव शास्त्र मनुष्य की शारीरिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करता है। मनुष्य के संबंध में समग्रता से जानकारी देता है। मानव विज्ञान मानव संस्कृतियों, जैविकीय तथा वातावरण के परस्पर गत्यात्मक अंतर संबंध का अध्ययन है। मानव का सामाजिक व्यवहार वातावरण से प्रभावित होता है। मानव की व्यवहार क्षमता उसकी जैविकी विशेषताओं से प्रभावित होती है। यह जैविकी विशेषताएं स्वयं वातावरण से प्रभावित होती रहती हैं। अतः ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यहाँ स्थानीय वातावरण का अर्थ है मानव का क्षेत्रीय पर्यावरण, जैसे भूगोल, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, प्राकृतिक साधन, वनस्पति, जंतु आदि। एक मानवशास्त्री का यह प्रयास होता है कि इन बातों को इस ढंग से प्रस्तुत करे ताकि यह पता चल सके कि किन परिस्थितियों में कौन किसे कितनी सीमा तक प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में, संस्कृति, जैविक विशेषताएं तथा वातावरण के अंतर संबंध की गतिशीलता की सीमा और मात्रा क्या है। अब हम पढ़ेंगे मानव विज्ञान का विभाजन एवं प्रमुख शाखाएं। एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानव विज्ञान 100 वर्ष से थोड़ा ही अधिक पुराना है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दो दशकों में औपचारिक ढंग से इस विषय की पढ़ाई इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय तथा अमेरिका के क्लार्क विश्वविद्यालय में क्रमशः एडवर्ड टाइलर और फ्रॉन्ज बोआस के प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के साथ शुरू हुई थी। उन दिनों मानव विज्ञान के निम्न चार क्षेत्र औपचारिक रूप से तय हो चुके थे। पहला, मानव का शारीरिक पहलू। दूसरा, भाषाओं का अध्ययन। तीसरा, पूर्व सभ्यताओं का पुरातात्विक अध्ययन। और चौथा, समकालीन समाजों में सांस्कृतिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का निरूपण। कहना न होगा कि ये चार क्षेत्र आधुनिक मानव विज्ञान की केंद्रीय शाखाओं में आज भी माने जाते हैं। इन शाखाओं का नवीन नामकरण इस प्रकार किया गया है। पहला, शारीरिक मानव विज्ञान। दूसरा, पुरातात्विक मानव विज्ञान। तीसरा, भाषाई मानव विज्ञान। चौथा, सांस्कृतिक सामाजिक मानव विज्ञान। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बारे में। मानव विज्ञान की यह शाखा आधुनिक मानव समूहों से संबंधित है। इसे अमेरिका में सांस्कृतिक मानव विज्ञान, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और यूरोप में सामाजिक मानव विज्ञान, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोनों में अंतर केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण का है, विषय वस्तुओं का नहीं। कुछ
मानववेत्ताओं का विचार है कि संस्कृति और समाज पर अधिक बल देने के कारण यह संभव हुआ है, किंतु यह सही नहीं जान पड़ता। कुछ ब्रितानी समाज मानववेत्ताओं ने संस्कृति और समाज दोनों पर बल दिया है। एक ब्रितानी मानवशास्त्री सैमुअल नोडेल की यह उक्ति सही प्रतीत होती है कि संस्कृति और समाज मानव जीवन के आयाम है। फिर भी अनेक ब्रितानी मानववेत्ताओं ने अपने विषय को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में ग्रहण किया है। इसे A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने तुलनात्मक समाजशास्त्र की संज्ञा दी है। रेडक्लिफ ब्राउन तथा इनके समर्थक फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमैनुएल दुर्कीन का अनुसरण करते हुए सभी प्रकार के समाजों के सामान्य नियमों की खोज करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के विषय वस्तु 20वीं शताब्दी के प्रथम 3-4 दशकों तथा सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के बारे में यह कहा जाता था कि यह मानव विज्ञान की वह शाखा है जो आदिम समाज का अध्ययन करता है। जब कभी आदिम शब्द का प्रयोग किया जाता है तब इसका अर्थ उन समाजों से होता है जो संख्या, क्षेत्रफल और सामाजिक संपर्क की दृष्टि से बहुत ही सीमित होते हैं। अधिक विकसित समाज की तुलना में ऐसे समाजों की आर्थिक व्यवस्था एवं तकनीकी साधारण किस्म की होती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि ऐसे समाजों का कोई लिखित साहित्य या इतिहास नहीं होता। इस कारण व्यवस्थित कला, विज्ञान या धर्मशास्त्र का भी उनमें अभाव है। रेडक्लिफ ब्राउन ने ऐसे समाजों को लोक समाज, फोक सोसाइटी कहा है। सांस्कृतिक मनोविज्ञान की पुस्तकों में इस प्रकार के समाजों को परंपरागत, देशज, आदिवासी या जनजाति, सहजाति समूह, एथनिक ग्रुप आदि की संज्ञा दी गई है। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक मनोविज्ञान के बारे में। ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर अन्य यूरोपीय देशों में जब मनोविज्ञान की चर्चा चलती थी तो लोगों के दिमाग में केवल शारीरिक मनोविज्ञान ही आता है। इंग्लैंड में शारीरिक मनोविज्ञान का अर्थ है मनुष्य के जैविक तथा दैहिक पक्ष का अध्ययन। शारीरिक मनोविज्ञान के प्रति संपूर्णता तथा समग्रता का दृष्टिकोण अमरीकी मानवशास्त्रियों ने आरंभ से ही अपनाया है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक शारीरिक मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता रहा है। पहला, मानव उद्विकास। दूसरा, मानव नस्लों में विभिन्नताएं। तीसरा, मानव मिति द्वारा मानव कपाली अध्ययन। चौथा, उच्च स्तर के प्रधानक प्राइमेट्स की विशेषताएं। पांचवा, मानव के रक्त समूहों का अध्ययन। परंपरागत शारीरिक मानव विज्ञानी विशेष रूप से मानव उद्विकास की कड़ी को पूरा विज्ञान में नवीन खोजों के सहारे कारगर ढंग से समझाना चाहते थे। इन्हीं दिनों आनुवंशिकी विज्ञान की बातों को समकालीन मानव समूहों में विभिन्नताओं को बताने में शारीरिक मानव विज्ञानी प्रयत्नशील रहे। कतिपय समकालीन शारीरिक मानव विज्ञानियों का मानना है कि मध्य 20वीं शताब्दी से पहले शारीरिक मानव विज्ञान का जो रूप था वह 1950 के बाद के वर्षों में परिवर्तित हो चुका है। इस मत के अग्रणी हैं शिकागो विश्वविद्यालय के S.L. वाशबर्न। वाशबर्न ने 1951 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और लिखा है कि चूंकि अब शारीरिक मानव विज्ञानियों द्वारा जो अध्ययन हो रहे हैं वह पूर्ण प्रचलित दृष्टिकोण से भिन्न है, अतः इस तरह के अध्ययन का नाम नवीन शारीरिक विज्ञान उपयुक्त है। अन्य शब्दों में नवीन शारीरिक मानव विज्ञान वाशबर्न द्वारा प्रस्तावित एक दृष्टिकोण का नामकरण है जिसे समकालीन मानव विज्ञानी विभिन्न विज्ञानों की खोजों एवं पद्धतियों का सहारा लेते हुए शारीरिक मानव विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु को एक नए ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इस नए दृष्टिकोण में समग्रता की भावना छिपी है। संक्षेप में
1850 से 1950 यानी 100 वर्षों में, विशेष तौर पर 1900 से 1950 के दौरान शारीरिक मनोविज्ञानी मुख्यतः निम्न दो तथ्यों के समाधान हेतु तत्पर रहते हैं। पहला, जीवाश्म अवशेषों की व्याख्या, उनका अवलोकन तथा मानव मिति उपकरणों की सहायता से जांच पड़ताल करते थे। उनका प्रमुख उद्देश्य यह बताना था कि अमुक जीवाश्म अवशेष की लंबाई, चौड़ाई, कपालीय सूचक क्या है तथा उनका भौगोलिक वितरण क्या है। वे नए अवशेषों की व्याख्या पूर्व प्राप्त अवशेषों से तुलना करके उद्विकास की कड़ी निरूपित करते थे। दूसरा, परंपरागत मानव शास्त्री जनव्रत या मानव जाति विज्ञान की भूमिका में विभिन्न क्षेत्रों के समूहों को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर नस्लों रेस में वर्गीकृत करने का प्रयास करते थे। उनका उद्देश्य यह जानना था कि अमुक नस्ल आधुनिक मानव के किस पूर्वज से संबंधित था। उदाहरणार्थ, अफ्रीकी नस्ल वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद वाले समूहों से संबंधित थे। इसमें कल्पना का पुट अधिक था। उपरोक्त तथ्यों के समाधान के लिए परंपरागत शारीरिक मानव विज्ञान अपने समय के उन अध्ययनों से सहायता लेते थे जो उनके निष्कर्षों के समर्थन में थे। ये अध्ययन भूगर्भ विज्ञान, पुराविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, प्राणी शास्त्र विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक मानव विज्ञान के बारे में। मानव का संपूर्ण अध्ययन तभी संभव है जब उसकी शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ उसकी संस्कृति निर्माता के रूप में पहचान की जाए। ऐसा माना गया है कि मनुष्य की वर्तमान शारीरिक विशेषताएं आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व के मानव की विशेषताओं जैसी है। दूसरे शब्दों में, वर्तमान मानव और 40,000 वर्ष पूर्व तक के मानवों की शारीरिक विशेषताएं बिल्कुल एक जैसी थी। अंतर इतना था कि उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां अलग अलग थी। 40,000 वर्ष से पूर्व तक के मानव प्राचीन या आदि मानव कहे जाते थे। उनका प्रतिनिधित्व क्रोमैग्नन करते हैं। इनके पूर्व होमो इरेक्टस और नियनडर्थल मानव करते थे। यदि और भी पूर्व की ओर जाएं तो हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जीवाश्म मिलते हैं जो उपकरण का थोड़ा व्यवहार अवश्य करते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के पूर्व में हमें सांस्कृतिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। इनकी प्रामाणिकता के लिए हमें पुरातत्व विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पुरातत्व विज्ञान प्राचीन वस्तुओं का संकलन कर उनके अध्ययन से ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण करता है। एक जागरूक मानव विज्ञानी के लिए पुरातत्व विज्ञान की बुनियादी बातों को जानना अति आवश्यक है। पुरातत्व से प्राप्त अवशेषों को काल अवधि के दृष्टिकोण से दो वर्गों में रखा जाता है, ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक काल उस मानव इतिहास से संबंधित है जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध है, और प्रागैतिहासिक काल के अवशेष उस मानव से संबंधित है जब वह मानवेतर स्थिति से विकसित होकर मानव बन रहा था। प्रागैतिहासिक पुरातत्व विज्ञान अत्यंत ही मनोरंजक किंतु जटिल है। इसके विकास में अमेरिकी एवं ब्रितानी मानव विज्ञानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऐतिहासिक युग लिखित सामग्री वाला और प्रागैतिहासिक युग अलिखित सामग्री वाला के बीच की कड़ी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसे विशेषज्ञों ने आद्यतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री कहा है। इस काल में प्रागैतिहासिक तथा ऐतिहासिक युग के अवशेष परस्पर समाहित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आद्यतिहासिक युग में दोनों विभाजनों की विशेषताएं मिलती हैं। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के अनुरूप इस युग के इतिहास पर लिखित प्रमाणों से भी कोई महत्वपूर्ण प्रकाश नहीं पड़ता है। लिखित प्रमाणों के अलावा उनके इतिहास के ज्ञान संवर्धन के लिए वे सभी प्रमाण उपलब्ध होते हैं जो ऐतिहासिक काल के इतिहास जानने के लिए
प्रायः सुगमता से प्राप्त है। भारतीय इतिहास के आद्यतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता का उत्थान और पतन उल्लेखनीय है। इस सभ्यता से संबंधित चिन्हित मुद्राओं के अवशेष काफी संख्या में पुरातत्व शास्त्रियों ने प्राप्त किया है। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता के लोग लेखनी से अवगत थे, किंतु उनकी लिखावट समकालीन विशेषज्ञ समझ नहीं पाए हैं। अतः चिन्हित मुद्राओं से उनके वास्तविक इतिहास पर यथेष्ट प्रकाश नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि उन दिनों सिक्के प्रचलित थे और लोग इसे व्यापार विनिमय में उपयोग करते थे। इस कारण इस काल का नामकरण आद्य इतिहास हुआ है। पुरातात्विक मानवता उन सभी उपलब्ध सामग्रियों का विस्तृत व गहरे रूप से अध्ययन करते हैं जो विशेष तौर पर प्रागैतिहासिक युग के माने जाते हैं। इसी कारण पुरातात्विक मनोविज्ञान का दूसरा नाम प्रागैतिहासिक पुरातत्व है। संक्षेप में प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रारंभिक मानव निर्मित उपकरण विशेष किस्म के पाषाण के टुकड़ों के द्वारा बनाए गए थे। उपकरण के बनाने की कला सरल थी। समय के दौरान तकनीकी में परिवर्तन होता गया, तदनुसार उनकी संस्कृति में भी परिवर्तन होता गया। प्रागैतिहासिक मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय वातावरण से समायोजित करते हुए सोच विचार कर ही उपकरणों का निर्माण करते थे। उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों के आधार पर उनकी तत्कालीन स्थिति के संबंध में व्याख्या की जाती है। छात्रों, आपको यह सदैव स्मरण रखना होगा कि पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर भी पिछले 5-6 दशकों में पुरा मानवताओं ने प्राचीन अवशेषों के आधार पर अनेक बातों की पुष्टि की है। मानव विज्ञान की यह शाखा पुरा विज्ञान से अधिक निकट है। पुरा विज्ञान प्राचीनतम जैविक व अजैविक वस्तुओं की जानकारी देता है। यह विषय प्रागैतिहासिक मानव विज्ञान के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शारीरिक मानव विज्ञान के लिए। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक मानव विज्ञान और शारीरिक मानव विज्ञान दोनों पुरा विज्ञान के माध्यम से जुड़े हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे भाषाई मानव विज्ञान के बारे में। भाषाई मानव विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में भाषाई विज्ञान एक स्वतंत्र शैक्षणिक विषय है। सांस्कृतिक मानव विज्ञान में इसकी महत्ता 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही स्वीकार कर ली गई थी। अमेरिकी मानव शास्त्री फ्रोंज बोआस ने गत शताब्दी के आरंभ में ही अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया था। प्रायः सभी मानवव्यता ने जिन्हें क्षेत्रीय कार्य का अनुभव है देशज भाषा की उपयोगिता पर बल दिया था। यहाँ एक प्रमुख शाखा के रूप में भाषा मनोविज्ञान के दो उद्देश्यों की चर्चा है। प्रथम मानव भाषा और दूसरा उच्च स्तरीय पशु जगत के प्राणियों की संचार प्रणाली। प्रथम उद्देश्य से प्रेरित कुछ ही मानव शास्त्री, विशेषकर शारीरिक मानव शास्त्री, मनुष्यों की भाषा और उच्च स्तरीय पशु जगत के प्राणियों की संचार प्रणाली संबंधित अध्ययनों में रुचि रखते हैं। अधिकांश सांस्कृतिक मानवता भाषा विज्ञान के उस पहलू पर बल देते हैं जो समाज विशेष को समझने में सहायक है, जैसे भाषा की सार्वभौमिकता। इसके अंतर्गत भाषा शास्त्री उन विशेषताओं की खोज करते हैं जो सभी भाषाओं में सामान्य ढंग से देखी जाती है। सभी भाषाओं में ध्वनियां हैं, व्याकरण है और शब्दावलियां हैं। भाषा मानवशास्त्री भाषा की समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न भाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। इस वर्गीकरण से समानताओं और विभिन्नताओं का पता चलता है और इससे यह भी पता चलता है कि एक भाषा परिवार के लोग कहाँ कहाँ पर वितरित हैं। भाषा मानवशास्त्री इस बात पर भी विचार करते हैं कि भाषा की संरचना और प्रारूप बोलने वालों के प्रत्यक्ष बोध की वास्तविकता को निर्धारित करता है। इसे सदस्यों की विश्व दृष्टि कहते हैं। इसे सर्वप्रथम
अमेरिका के भाषा मनोशास्त्री शेपियर और उर्फ ने बताया था। शेपियर ने कहा है कि भाषा का बुनियादी आधार केवल स्पष्ट ध्वनि प्रणाली का विकास ही नहीं बल्कि अवधारणाओं के साथ बोली के तत्वों में और अन्य प्रकार के संबंधों के बीच की व्यवस्था है। भाषा ही मानव विज्ञान के अंतर्गत इस बात पर बल दिया जाता है कि मानव इतिहास में लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव कब और किन किन परिस्थितियों में हुआ। केवल यह जानना कि लेखन का आरंभ एक क्षेत्र विशेष में हुआ पर्याप्त नहीं है। पुरातत्व मानववेत्ताओं की खोजों से यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ मानव समूहों में विभिन्न लिपियां प्रचलित थी। भाषा मानव शास्त्र की अन्वेषण प्रणाली से इस पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अंत में एक समूह विशेष की भाषा का अध्ययन करना मानव शास्त्रियों का उद्देश्य रहा है। एक ही क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती हैं, तथापि संपूर्ण समूह के लिए एक भाषा का प्रचलन स्वतः हो जाता है। भाषा मानव शास्त्री विभिन्न समूहों के लिए एक सामान्य भाषा का मानदंड तैयार करते हैं। भाषा ही मानव विज्ञान का उद्देश्य यह नहीं है कि वह यह बताए कि दूसरों की भाषा किस तरह से बोली जाए, जैसा कि आम धारणा है। भाषा मानव विज्ञान यह मानता है कि अनुसंधानों द्वारा स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी भाषा आदिम नहीं होती है। प्रत्येक समूह की भाषा अपने आप में पूर्ण है। सरल समाजों की भाषाई क्षमता उतनी ही है जितनी की विकसित समाजों की। प्रत्येक भाषा चाहे वह लिखित हो या अलिखित, इसमें आवश्यकता अनुसार शब्दावलियां और ध्वनियां हैं। प्रत्येक के अपने व्याकरण हैं। भाषा मानव शास्त्री इस पक्ष पर गंभीर रूप से बल देते हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे मानव विज्ञान की विलक्षणता के बारे में। समस्त मानविकी और सामाजिक शास्त्रों में मानव विज्ञान एक अलग शास्त्रीय विषय है। इस कारण मानव विज्ञान की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य विषयों में मुखर नहीं है। दूसरे विषयों में यदि है तो आंशिक रूप से अथवा सभी साथ साथ नहीं देखे जाते, अतएव इन्हें जानना जरूरी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मानव विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्वीकृत है। ये विशेषताएं हैं, पहली संपूर्णता, दूसरी जैविक संस्कृति, तीसरी तुलनात्मक और चौथी क्षेत्र कार्य। संपूर्णता मानव विज्ञान की सभी चार शाखाएं परस्पर संबंधित हैं। किसी भी शाखा को ले, सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है संपूर्णता का दृष्टिकोण अपनाते हुए मानव के सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करना। जैविकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण मानव विज्ञान की दूसरी विशेषता है। जैविकी सांस्कृतिक तत्वों का संगम मानव शास्त्री जीव विज्ञान और संस्कृति दोनों पर समान रूप से बल देते हैं। यह दृष्टिकोण यह बताता है कि मानव का संपूर्ण अध्ययन तभी संभव है जब मानव को एक जैविक प्राणी के रूप में समझा जाए, साथ ही उसे संस्कृति निर्माता के रूप में जाना जाए। तुलनात्मक दृष्टिकोण से अर्थ है कि मानव विज्ञान का झुकाव प्रारंभ से ही तुलनात्मक रहा है। इसका आशय है दो या अधिक वस्तुओं, प्रथा, घटनाएं, गुण आदि को परस्पर तुलना करते हुए परखना। तुलना के अभाव में कोई भी तथ्य सार्थक नहीं होता। मानव वेत्ता अपने विषय तथ्यों की परस्पर तुलना करते हैं और निर्णय पर पहुंचते हैं। तुलना करने की अनेक विधियां हैं, यथा दो समाज के बीच तुलना, एक क्षेत्र के कई एक समाजों के बीच तुलना करना, अथवा एक ही समाज के कई एक उपभागों की परस्पर तुलना करना। मानव विज्ञान की सभी शाखाओं के विशेषज्ञ अपने विषयों से संबंधित तथ्यों की तुलना करते हैं। चौथी विशेषता क्षेत्र कार्य दृष्टिकोण। मानव विज्ञान की चौथी विशेषता है क्षेत्र शोध संबंध। मानव विज्ञान की चारों शाखाओं में तथ्यों की प्राप्ति क्षेत्र कार्य से होती है, अर्थात एक सामाजिक मानववेत्ता अथवा शारीरिक मानवशास्त्री अथवा भाषा या पुरातत्व मानव विज्ञानी अपने विषय से संबंधित बातों की जानकारी क्षेत्र कार्य से ही करता है। दूसरे शब्दों में,
एक मानवशास्त्री क्षेत्र कार्य में प्रवीण होता है। मनोविज्ञान की एक शाखा सामाजिक मनोविज्ञान में क्षेत्र कार्य की परंपरा का उल्लेख किया गया है। एक मनोविज्ञानी अपनी अभिरुचि एवं प्रशिक्षण के कारण एक विशेष शाखा की ओर उन्मुख हो सकता है, उस शाखा का विशेषज्ञ बन जाता है, तथापि वह अन्य शाखाओं की मूलभूत विशेषताओं को भूलता नहीं, क्योंकि अपनी विशेष शाखा के प्रति जिस तरह का वह दृष्टिकोण अपनाता है वे ही दृष्टिकोण अन्य शाखा के विशेषज्ञ अपनाते हैं। इस तरह सभी शाखाओं के विशेषज्ञ परस्पर जुड़े होते हैं। सभी मानते हैं कि अपनी विशेष शाखा के प्रति उनका दृष्टिकोण संपूर्णता, जैविक संस्कृति, तुलनात्मक तथा क्षेत्र कार्य से संबंधित है।